प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को बी क्रिया के प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, यूज ऑफ टू बी। बी क्रिया के विभिन्न रूप होते हैं, उनके ही बारे में मैं वर्णन करने जा रहा हूं। बी क्रिया के रूप इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी और शैल बी। क्या समझे? बी क्रिया के रूप में इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी और शैल बी का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी और शैल बी का प्रयोग कहां कब करेंगे? तो इज, एम, आर का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे। कहां करेंगे? प्रेजेंट टेंस में करेंगे। किसका करेंगे? इज, एम, आर का। इज, एम, आर का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे। वाज और वेयर का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करेंगे। वाज वेयर का प्रयोग कहां करेंगे? पास्ट टेंस में करेंगे। इसी तरह से शैल बी और विल बी का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करेंगे। समझे? हाँ, पुनः मैं एक बार आप लोगों के सामने दोहराना चाहता हूं कि बार बार सुनेंगे अगर आप लोग तो आप लोगों की बात जो है स्वतः याद हो जाएगी। बी क्रिया के रूप, बी क्रिया के विभिन्न रूप होते हैं। पहले में है इज, एम, आर, दूसरे में वाज, वेयर और तीसरा विल बी और शैल बी। इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करेंगे। प्रेजेंट टेंस मींस वर्तमान काल। वाज और वेयर का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे। पास्ट टेंस मींस भूतकाल। शैल बी और विल बी का प्रयोग फ्यूचर टेंस में करेंगे, भविष्य काल में करेंगे। क्यों करेंगे? इसके लिए ही है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या अन्य चीज के गुण, धर्म, अवस्था का वर्णन किया जाए वहां पर हम इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ इज। इज का प्रयोग कहां हम इज का प्रयोग करेंगे? कर्ता, ही, सी, इट तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था बताने के लिए इज का प्रयोग किया जाता है। कहां इज का प्रयोग किया जाता है? यदि कर्ता ही, सी, इट या एक वचन संज्ञा हो तो इनके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। जैसे वह बीमार है, हम देखते हैं कर्ता वह है। कर्ता कौन है? वह है। इसलिए वह के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, वह यानी ही। इसके बाद इज, ही इज, इल। चूंकि ही है इसलिए हम इसका प्रयोग किए हैं। वह किस अवस्था में है? बीमार की अवस्था में है, इसलिए लिखा गया ही इज इल। अगर ही नहीं होता, यू होता, नहीं करते, वी होता, नहीं करते। क्योंकि इज का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? कर्ता, ही, सी, इट तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ ही हम इज का प्रयोग करेंगे। हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कर्ता ही है, वह है, इसलिए हम इज का प्रयोग यहाँ किए। दूसरा उदाहरण है, राम चतुर है। राम चतुर है, राम एक वचन संज्ञा है, राम एक वचन संज्ञा है। लिखा गया आपको एक वचन की संज्ञाओं के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। तो राम एक वचन संज्ञा है, राम अकेला है। जब कोई वस्तु व्यक्ति एक हो वहां एक वचन होता है, तो राम अकेला है, इसलिए हम राम इज वाइज कर दिए हैं। तीसरा है, वाराणसी एक पवित्र नगरी है। यहां वाराणसी का वर्णन किया है। वाराणसी कैसी है? पवित्र है। वाराणसी एक नाउन है, एक वचन संज्ञा है, इसलिए वाराणसी के साथ हम इसका प्रयोग करिए हैं। इसलिए लिखा गया है वाराणसी इज होली सिटी। समझ गए प्यारे बच्चों? पुनः मैं आप लोगों की याददाश्त के लिए मैं एक बार आप लोगों को समझा रहा हूं, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जब हम किसी बात को बार बार सुनेंगे, बार बार दोहराएंगे तो ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
बशर्ते कि आपका ध्यान केंद्रित हो। वक्ता से ज्यादा श्रोता को जो है ध्यान देना चाहिए। वक्ता अपनी बात बोल रहा है और जब तक श्रोता उसको ध्यान से नहीं सुनेगा उसके दिमाग में बात नहीं आएगी, समझ नहीं पाएगा। पुनः मैं आपको बता रहा हूं, यूज ऑफ इज का प्रयोग करता ही सी इट तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या अवस्था बताने के लिए इज का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? करता ही सी इट या एक वचन का संज्ञा हो। हम उदाहरण नंबर वन में देख रहे हैं कि वह अर्थात ही है, इसलिए इसके साथ हम इसका प्रयोग किए हैं। दूसरे में राम, राम जो है एक वचन संज्ञा है, एक वचन का है और क्या है? संज्ञा है। तो एक वचन संज्ञा के साथ भी हम इसका प्रयोग करेंगे, इसलिए राम इज वाइज कर दिया गया है। वाराणसी एक पवित्र शहर है, वाराणसी भी एक वचन संज्ञा है, क्यों? किसी व्यक्ति, वस्तु, नगर इत्यादि के नाम को संज्ञा कहा जाता है, तो वाराणसी भी संज्ञा है, इसलिए हम यहाँ इज का प्रयोग किए हैं। हुआ है वाराणसी इज होली सिटी। प्यारे बच्चों, अब हम यूज ऑफ हिम यानी एम का प्रयोग इसके बारे में जानकारी देंगे और लेंगे। देखिए, यूज ऑफ एम का प्रयोग, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे? कर्ता आई यानी मैं के साथ हूं के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या अवस्था बताने के लिए एम का प्रयोग किया जाता है। एम का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करेंगे, वो भी किसके लिए? हूं के लिए। और कहाँ करेंगे? जब किसी व्यक्ति के गुण, धर्म या अवस्था को बताना हो, वहां हम एम के साथ, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, इसमें कर्ता कौन है? मैं है, तो मैं के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लिखा गया है कर्ता आई के साथ हूं के लिए एम का प्रयोग करेंगे। कर्ता मैं है, मैं की अंग्रेजी होती है आई, इसलिए लिखा गया आई। आई के साथ हूं के लिए क्या करेंगे? एम, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। दूसरे उदाहरण में मैं एक किसान हूं, यहां भी कर्ता अर्थात सब्जेक्ट क्या है? मैं है, तो मैं के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का, बन गया आई एम ए फार्मर, आई एम ए फार्मर। पुनः जानिए एम का प्रयोग कहां करेंगे? कर्ता आई मैं के साथ हूं के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या अवस्था को बताना हो, तो वहां आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। जैसा कि उदाहरण में ही बताया गया है, मैं एक विद्यार्थी हूं, देख रहे हैं कि यहाँ कर्ता कौन है? मैं है, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक किसान हूँ, आई एम ए फार्मर। प्यारे बच्चों, अगर मैं कह दूं कि वह एक किसान है, तो इसका क्या होगा? क्या होगा? आई एम ए फार्मर या आई इज ए फार्मर, आई एम ए फार्मर, क्योंकि आई के साथ हम एम का ही प्रयोग करेंगे। अगर ही होता, सी होता, ईट होता, एक वचन कोई संज्ञा होता, तब तो हम हाइज लगाते, लेकिन चूंकि कर्ता यहाँ आई है, इसलिए आई के साथ हम एम का ही प्रयोग करेंगे, आई एम ए फार्मर। चलो प्यारे बच्चों, आज मैं आर का प्रयोग बताऊंगा, यूज ऑफ आर। आर का प्रयोग मैं कहाँ करूंगा? देखिए, कर्ता वी, दे, यू तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। आर का प्रयोग कहाँ करेंगे? यदि कर्ता वी होगा, यू होगा, दे होगा, ता बहुवचन की संज्ञा होगी, उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। वी अगर सिंगल भी आता है, हम, तो हम जो है वो भी बहुवचन है, उसको एक वचन ही समझना चाहिए।
बहुत तेरे लोग ऐसा उच्चारण करते हैं हम खाते हैं, तो हम स्वयं नहीं खाते हैं, एक समूह में खाते हैं, इसलिए वी बहुवचन है। तो कर्ता वी यू दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कुएं पर हैं, यहां कर्ता सब्जेक्ट कौन है, हम है, तो जब हम आ जाएगा, वी आ जाएगा, तो किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। इसलिए आ गया है वी आर एट दी वेल, वी आर एट दी वेल, क्यों, क्योंकि हम के साथ हम आर का ही प्रयोग करेंगे। उदाहरण नंबर दो, तुम दुखी हो, इसमें कर्ता कौन है, कितने लोग बताएंगे, कर्ता, हां कर्ता इसमें तुम है, तो तुम अर्थात यू, यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इस एम आर में किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू के साथ आर का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए यू आर सैड, तुम दुखी हो। वे बहुत मोटे हैं, इसमें कर्ता कौन है, वे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का, इसलिए प्रयोग हुआ है दे आर वेरी फैट, वे बहुत मोटे हैं। मैं पुनः आप लोगों को एक बार बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, यूज ऑफ आर, आर का प्रयोग कर्ता वी यू दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ आर का प्रयोग होता है। जैसे हम कुएं पर हैं, कर्ता यहाँ हम है, सब्जेक्ट हम है, इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, बन जाएगा वी आर एट दी वेल। तुम दुखी हो, इसमें भी कर्ता तुम है, तुम के साथ आर का प्रयोग करेंगे, तो हो गया है यू आर सैड। वे बहुत मोटे हैं, इसमें कर्ता कौन है, वे है, तो वे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का, दे आर वेरी फैट। पुनः मैं आप लोगों को एक बार शुरुआत से ही कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं, ध्यान से सुने, बी क्रिया के तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट में दूसरा, पास्ट में दूसरा और तीसरा में दूसरा, यानी अलग अलग होता है। प्रेजेंट में होता है इज एम आर, पास्ट में होता है वाज और वेयर, फ्यूचर में होता है शैल बी और विल बी। आखिर इनका प्रयोग क्यों करते हैं, कहां करते हैं, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, गुण, धर्म बताना हो, वहां पर हम इज एम आर, वाज वेयर, शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उस होमवर्क को आप लोग कॉपी पर उतार लें और उसे करके आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर वगैरह लिख दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को ईजेएम आर पर आधारित कुछ होमवर्क दे रहा हूं, इस होमवर्क को अपनी कॉपी पर नोट कर लें और उसको पुनः बना लीजिएगा, अगले दिन जो कुछ भी आपके सामने आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा। देखिए पहला है, रीता एक छोटी लड़की है, रीता एक छोटी लड़की है, वह बहुत सुंदर है, हम मीटिंग में हैं, तुम सड़क पर हो, वे नाराज हैं, मैं बागीचे में हूं, गायें पेड़ के पीछे हैं। ये उदाहरण हैं, इनको आप देख लें और जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है ईज एम आर पर आधारित उनके उदाहरण को बार बार देखें, बार बार समझें और उस उदाहरण के अनुसार ही आप इन होमवर्क को कर लें। धन्यवाद।